गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पदबंध के बारे में जानकारी लेंगे। पदबंध क्या होते हैं? ऐसा पद जो कई वाक्यांशों से मिलकर बना होने के बाद एक ही पद का कार्य करता है, पदबंध कहलाता है। पद क्या होता है? जब स्वतंत्र शब्द है, वाक्यांश प्रयोग होता है, तो उसको पद बोलते हैं। पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है, वो संज्ञा होता है। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो क्रिया होती है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है शब्द, वो क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा पदबंध वे पदबंध जो संज्ञा पद का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? रवि ने, तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस का वध किसने किया? कृष्ण ने, संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम पदबंध वे पदबंध जो सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे इतनी पढ़ाई करने वाले तुम फेल कैसे हो गए, यानी कि जो फेल हो चुका है वो कौन है? तुम। संज्ञा के स्थान पर आया है, कोई नाम नहीं है, इसलिए संज्ञा पदबंध हुआ। शरारती बच्चों में से कुछ बच्चे आज शांत बैठे हैं, जो ये कुछ शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुआ। थैंक्स।